Hey everyone, welcome back to My Creation. सीरियल बेपनाह और ये रिश्ता क्या कहलाता है से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर्स हर्षद चोपड़ा को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी फैंस को अपना दीवाना बना रखा है और वह अपनी शानदार एक्टिंग और लुक्स से सभी के दिलों में राज करते हैं और लड़कियां तो जैसे उनके पीछे पागल ही होती हैं, जो अपने पहले सीरियल से हर जगह छा चुके हैं। तो आज हम आप सभी को टीवी अभिनेता हर्षद चोपड़ा के करियर के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी डाली हुई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर्षद ने अपने करियर की शुरुआत ममता से की थी। इस सीरियल में वह करण श्रीवास्तव के किरदार में नजर आए थे। इसके बाद वह शो से लेफ्ट राइट लेफ्ट में कैडेट अली के किरदार में नजर आए थे। हर्षद को उनके इस किरदार ने पहचान दिलाई थी। इस शो में उनका शांत अंदाज बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद हर्षद को सीरियल किस देश में है मेरा दिल ने घर घर में पहचान दिला दी थी। इस शो से लोगों के दिलों में हर्षद चोपड़ा जैसे बहुत ही अच्छे से बस चुके थे। इस शो के बाद से वह सभी के फेवरेट बन गए थे। प्रेम जुनेजा का किरदार आज भी सभी को याद है। तो दोस्तों, इस शो की खास बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एकता कपूर के इसी शो में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस शो को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था। लेकिन दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है, तो इसी बात का हम सबको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद दोस्तों, हर्षद चोपड़ा ने किस देश में है मेरा दिल के बाद दिल से दुआ और सौभाग्यवती भाव जैसे कई सीरियल्स में काम किया था। इस टाइम हर्षद टीवी इंडस्ट्री के किंग बन गए थे और उनकी एक्टिंग और लुक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था और लड़कियां तो जैसे इनके दीवाने ही बन गई थी। दोस्तों, इसके बाद हर्षद ने साल 2016 में फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा था। वह फिल्म द एंड में प्रिया बनर्जी, दिव्यांशु शर्मा और कीको शारदा के साथ नजर आए थे। बॉलीवुड में हर्षद को कुछ खास पहचान नहीं मिली, तो इसके बाद ही वे टीवी इंडस्ट्री के ही किंग बन गए। इसके बाद दोस्तों, 2016 से हर्षद ने फिल्म इंडस्ट्री में ही काम किया था। इसके बाद दोस्तों, 2021 में स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ते क्या कहलाता है में हर्षद चोपड़ा को अभिमन्यु का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसके बाद से अभिमन्यु के किरदार से ये लोगों के दिलों में और भी ज्यादा बस गए। इसमें अक्षरा अभिमन्यु की स्टोरी को कुछ इस तरीके से दर्शाया गया कि लोगों को इनका बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। इसके बाद दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी जगह ना बना पाने के बाद हर्षद ने एक बार फिर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। तो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें आने से पहले हर्षद चोपड़ा जेनिफर विंगेट के साथ शो बेपनाह में नजर आए थे। ये शो सुपर डुपर हिट साबित हुआ था। इसके बाद से हर्षद और जेनिफर की जोड़ी को भी काफी ज्यादा रियल लाइफ में भी पसंद किया जाने लगा था। हर्षद और जेनिफर की जोड़ी ने धमाल मचा रखा था। सभी को इस जोड़ी की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। ये शो TRP लिस्ट में हमेशा टॉप 5 नंबर में रहता था। इसके बाद दोस्तों, हर्षद चोपड़ा ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में कदम रखा और ये रिश्ता क्या कहलाता है को सुपर डुपर हिट बना दिया, या फिर यूं कहे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ने हर्षद चोपड़ा को सुपर डुपर हिट बना दिया, क्योंकि स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है हमेशा TRP में फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर ही होता है। इस शो ने 15 सालों से स्टार प्लस पर अपने TRP जमा रखी है। इसके बाद दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर्षद चोपड़ा ने 2020 में एरिका फर्नांडिस के साथ एक म्यूजिक वीडियो भी बना चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी थी हर्षद चोपड़ा के करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री में। तो आपको हर्षद चोपड़ा कैसे लगते हैं, कौन कौन हर्षद चोपड़ा के फैन हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।